सो हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी सॉल्विथ निशा। सो कैसे हो आप सब, और ये है मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हमें पेन स्टैंड को बनाना है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, ये है पेन स्टैंड और ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इधर करीब 7 से 8 पेन जरूर आ सकते हैं, और अभी मैंने सिर्फ इधर रखे हैं 5। इधर 7-8 क्या, 10 पेन तो ईजिली आ जाएंगे। ये बनाना बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा सिंपल है। आप वीडियो को एक बार ही देख सकते हो, इसका पूरा लुक बहुत ज्यादा अच्छा है। और जब आप इधर पेन्स को रखेंगे तो ये एक टाइप से पेन स्टैंड बन जाएगा। अब इधर और भी कई सारे पेन्स ऐड कर सकते हो। ये अगर आपके पास पेन स्टैंड नहीं है तो आप स्नेक क्यूब लेके इसको कर सकते हो। सो अभी मैंने थोड़े बहुत और भी पेन्स ले लिए हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, और पेन्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कितने पेन्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 8 पेन्स इधर हो चुके हैं, 8 पेन्स टोटल आ सकते हैं, और इधर साइड पे भी 2 आ सकते हैं पेन्स। तो चलिए बिना देरी के अभी सीखते हैं इस पेन स्टैंड को कैसे बनाना है। क्यों सो अभी ये जो आपको येल्लो वाला ये ब्लॉक दिख रहा है ना, येल्लो वाला ट्राइंगल, इसको हमें इस तरफ अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका मतलब हम ये जो ट्राइंगल को है हम लोग अपने से दूर ले जाएंगे। अगर हम लोग इस स्टेप पे ऐसे करेंगे तो ये इसका मतलब हम लोग अपने पास ला रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमें इसको अपने दूर ले जाना है, मतलब ऐसे टर्न करना है। ये बिल्कुल हम लोग ऊपर, मतलब इस पिरामिड को हम अपने से दूर ले जाएंगे। फिर हम लोग कुछ इस स्टेप से इसको पकड़ेंगे। फिर ये जो ब्लैक वाला आपको पिरामिड दिख रहा है ना, 1 और 2, इन दोनों को काउंट करना है, इसको नहीं करना गाइस। 1 और 2, ये ब्लैक एंड ये लोग हमें काउंट करना है। फिर ये जो ब्लैक वाला, ये थर्ड वाला पीस है, हमें इसको इस तरफ इस टाइप से कुछ ले आना है। तो हमें कुछ इस टाइप का एक शेप देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जेड की टाइप का ये है, जेड टाइप का ये एक शेप हो गया। फिर अभी हमें ये येल्लो पीस को छोड़ के ये जो ब्लैक वाला पीस है इससे काउंट करना है 3 ब्लॉक्स, 1, 2, 3। ये 3 ब्लॉक्स को काउंट किया, ये जो येल्लो वाला है इसको हम लोग ऊपर की तरह ऐसे टर्न कर देंगे इस टाइप से। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये इस टाइप का एक शेप ले लिया है, ऑलमोस्ट हम लोग का बन ही जाएगा अभी। फिर अभी इस वाले ब्लैक को छोड़ के ये जो येल्लो है, इस येल्लो को काउंट करना है 1, 2 और 3। इधर भी, इस साइड भी हम लोगों ने 3 को काउंट किया था ना, तो इधर भी हमें 3 को ही काउंट करना है। और फिर इस ब्लैक वाले को ऊपर की तरफ टर्न कर देना है। फिर अभी हमें क्या करना है, 1 और 2 इस येलो को छोड़ना है, हमें 2 काउंट करना है, 1 और 2। फिर ये जो ब्लैक को है, सॉरी 2 नहीं काउंट करना, मैंने गलत बोल दिया, हमें 3 काउंट करना है वापस, 1 और 2 और 3। और ये जो फोर्थ वाला पीस होगा इसको हमें, मैंने आपको पहले ठीक ही बोला था कि ये 2 होगा, पर मैं कैमरा में देख के बोल रही थी तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। हमें इन 2 को काउंट करना है और इस ब्लैक को जस्ट लाइक दैट टर्न करना है। तो ये इसको ऐसे दोनों ज्वाइन करवा दो, ये कुछ इस टाइप का एक शेप आपको मिल जाएगा। फिर अभी हमें इसको कुछ स्टेप से पकड़ लेना है, ये जो येल्लो वाला है इसको हमें आगे की तरफ टर्न करना है, ब्लैक वाले को छोड़ के ऐसे, ठीक है। आपको कुछ स्टेप का ऑलमोस्ट पूरा शेप बन ही गया है पेन स्टैंड। अभी येल्लो को छोड़ना है, ब्लैक वाले को हमें ऐसे टर्न करना है, ठीक है। और अभी हमें 1 और 2 को काउंट करना है, इस वाले ब्लैक को ऐसे टर्न कर देना है, ठीक है। अभी वापस से हमें 2 को काउंट करना है, 1, 2, 3। अब फिर हमें इसको टर्न कर देना है, ये जो येलो वाला था इसको हमें टर्न कर देना है। फिर ये जो ब्लैक वाला है इसको हमें वापस से इस तरफ से टर्न करवा देना है। अब इसको टर्न करवा दो, तो ये हम लोगों का पेन स्टैंड रेडी है। अभी आप लोग इधर पेन रख सकते हो, पेन रख के दे सकते हो, और आप लोगों का पेन स्टैंड रेडी है ना। मैं आपको एक और बार आपको एक बड़ी ढंग से समझा देती हूँ कि कैसे हमें इन सबको करना है। पहले क्या किया, इस येल्लो को टर्न किया जस्ट लाइक दैट, ऐसे पकड़ लिया इसको, ऐसे होल्ड कर लिया। अब
भी मेरे पास ये कैमरा है तो मैं आपको ढंग से ऐसे होल्ड करके नहीं दिखा सकती, बट ऐसे कर के रखा है आपको, जस्ट ऐसे पूरा टेबल करके रखा है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा एक बड़ी कोशिश करती हूँ करने की। तो हमें इस टाइप से कुछ पकड़ना है, पकड़ लिया। अभी वन एंड टू को काउंट करना है, इस ब्लैक को टर्न कर देना है आगे की तरफ, फिर वन एंड थ्री काउंट करना है, इस येल्लो को ऊपर बढ़ा देना है, फिर वापस से थ्री काउंट करना है, वन एंड थ्री, फिर वन टू थ्री, सॉरी वन टू थ्री गलत हो गया, अभी इस ब्लैक को आगे की तरफ टर्न करवा दे। वापस से टू काउंट करना है, वन टू थ्री नहीं काउंट करना, वन टू, इस तीसरे वाले को टर्न कर देना है, तो ये कुछ इस टाइप का शेप दे देगा। फिर वापस से इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ के ये थोड़ा सा ना सिक्स टाइप का लग रहा है मेरे को, तो फिर ब्लैक वाले को छोड़ना है, ये वाला ब्लैक को छोड़ देना है, समझ लो ये वाला ब्लैक है ही नहीं, इस येल्लो को पकड़ के टर्न कर देना है। फिर हमें इस ब्लैक को छोड़ना है, इस येल्लो को भी छोड़ना है, ये दो ब्लैक एंड येल्लो को छोड़ना है, इस वाले ब्लैक को टर्न कर देना है, जस्ट लाइक दैट। एंड फिर हमें वन एंड टू काउंट करना है, ये जो ब्लैक है इसको टर्न करना है, फिर वापस से थ्री काउंट करो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर ये जो येल्लो है इसको आगे की तरफ टर्न करवा दो, वापस से वन टू थ्री, फिर इस ब्लैक को आगे की तरफ टर्न करवा दो, और वन टू काउंट करो ये वाले को, कर दो। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो ये हम लोगों का पूरा रेडी हो चुका है ना। अभी आपको ये जो पैटर्न है अभी आपको लर्न नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पहले में हो सकते हैं कि आपका लर्न हो जाए, बट हो सकता है कि नहीं भी हो, तो आप इसके लिए एक बारी ढंग से वीडियो को देख लेना, अच्छे से वीडियो को देख लेना, तो आपको एक ही बारी में आप उसको बना लोगे। सो बस आज के इस वाले वीडियो में बस आपको इतना ही कहना था, सॉरी इतना ही सिखाना था। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, एंड आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप मेरे को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको और भी अच्छे से वीडियोस क्यूब के ऊपर मिलते रहेंगे, लाइक टाइप्स ऑफ क्यूब को सॉल्व करना या अनबॉक्सिंग करना, पैटर्न्स बनाना, ये सब आपको मेरे चैनल में मिलने वाले हैं। और हाँ, घंटी को जरूर दबाना, उस घंटी का ऑल पे सेट कर देना, अगर आप सेट नहीं करोगे तो आपको मेरा कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है, तो उसको ऑल पे जरूर से सेट कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, हाँ शेयर कर देना जरूर, आपके अगर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर कोई भी क्यूब को सॉल्व करता है तो आप इस वीडियो को जरूर से उनको शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक स्नेक क्यूब को बाय नहीं किया है तो जरूर से बाय कर देना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्यूब है, आप इसके साथ अच्छा खासा आप टाइम पास कर सकते हो, टाइम पास ही नहीं, आप इस पर अलग अलग शेप्स बना सकते हो और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ। सो आप इसको जरूर से बाय करना अगर आप लोगों ने नहीं बाय किया, ये पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट क्यूब है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।